आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये Asus का VivoBook Go 15 OLED और ये लैपटॉप आपको 48,000 की प्राइस में मिल जाएगा और इसमें लगा हुआ है इंटेल का Core i3 N305 CPU। तो हमेशा की तरह पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो भाई ये है बॉक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर लैपटॉप मिलेगा जो कि सफेद चादर में लिपटा हुआ है, इसको बाद में ओपन करेंगे। और ये कुछ पुस्तकें मिलती है, ये एक 65 वोल्ट का राउंड पिन वाला अडेप्टर है और ये चार्जर की पावर कॉर्ड है। अब सफेद चादर से इस लैपटॉप को निकालते हैं। ओ भाई बहुत प्यारा लैपटॉप है। टॉप कोर पर Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बॉटम कुछ इस टाइप का रहेगा, ये इनर डिजाइन कुछ इस टाइप की रहेगी। पाम रेस्ट के लेफ्ट साइड में आपको सीपीयू की ब्रांडिंग मिल जाएगी और एमएस ऑफिस का स्टिकर मिल जाता है और राइट साइड में सोनिक मास्टर की ब्रांडिंग के साथ में ये कुछ इसके फीचर्स मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। और बॉटम वाली बेजल पर आपको Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिलने वाली है जो कि चिल्ला के बोल रही है कि ये Asus का लैपटॉप है। बात तो सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू ड्रीमस्केप टेक्नोलॉजी जिन्होंने ये लैपटॉप प्रोवाइड किया है। और ये गौरव टावर मालवीय नगर जयपुर में सिचुएटेड है। अगर आपको भी कोई नया लैपटॉप पीसी परचेज करना है तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ लैपटॉप्स का अपडेटेड स्टॉक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, तो आप जरूर से कॉन्टैक्ट करना। और हमारा रेफरेंस देते हो तो आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। अब चलिए इस लैपटॉप की स्पेक्स की बात करते हैं। इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i3 N305 जिसमें आपको 8 कोर और 8 थ्रेड मिल जाते हैं और ये सीपीयू ग्रेस माउंट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, मतलब कि यहाँ पर आपको टोटल जितने भी कोर्स मिलते हैं वो एफिशिएंट कोर मिलने वाले हैं। एंड इसी वजह से भाई इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप इनसेन लेवल का रहेगा। इस लैपटॉप में आपको 8GB की ऑनबोर्ड रैम मिल जाती है और ये DDR4 3200 MHz वाली रैम है। और इस लैपटॉप में आपको एक रैम स्लॉट खाली मिल जाएगा जिसको यूज करके आप इस लैपटॉप की रैम को 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो, तो ये वाली चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको इंटेल USD ग्राफिक्स मिल जाता है और ये एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहेगा, तो यहाँ पर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर सकते हो। 512GB की M.2 Gen 3 SSD मिल जाती है और इसकी रीड राइट स्पीड आपके सामने है, काफी इंप्रेसिव है। और कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर लेटेस्ट कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलने वाले हैं। और मेरे इंटरनेट प्लान की स्पीड 40 Mbps है और इसको वायरलेसली इजिली कंज्यूम कर लेता है, तो कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब चलिए इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इस लैपटॉप के टॉप कवर पर एनग्रेविंग फॉर्म में Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिल जाती है और इस लैपटॉप का टॉप कवर फ्लेक्स और कीबोर्ड फ्लेक्स इतना रहेगा। और ये लैपटॉप PCABS में बिल्ड है तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप की बहुत ही सॉलिड रहेगी क्योंकि ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड 810H की सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यार आप इस लैपटॉप की लिड को सिंगल हैंड से ओपन नहीं कर सकते हो, मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये चीज भाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक बजट लैपटॉप है, तो यहाँ पर इस लैपटॉप की लिड को दोनों हाथों से ओपन करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, हम ओपन कर ही लेते हैं। और आप इस लैपटॉप की लिड को 180 डिग्री तक पूरा ओपन कर सकते हो, तो ये वाली चीज आपको बहुत ही इंप्रेस करने वाली है। बाकी बॉटम पर नजर मारो तो यहाँ पर एयर इनटेक के लिए बड़े सारे वेंट मिल जाते हैं और एक सिंगल फैन मिलने वाला है, 4 रबर फिट मिल जाते हैं जो कि इस लैपटॉप को प्लेन सरफेस से फिसलने नहीं देंगे और ये बिल्कुल हाईलाइटेड है। और ये रबर स्ट्रिप सिल्वर कलर में मिलने वाली है और इस लैपटॉप में आपको ओनली एक ही एग्जॉस्ट वेंट मिलता है जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर आपको हिंज वाले सेक्शन में मिल जाती है, तो ये लैपटॉप ज्यादा हीट नहीं होता है। और इस लैपटॉप में आपको 2 डाउन फायरिंग स्पीकर वेंट्स मिल जाते हैं और इनकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही इंप्रेसिव है, बाकी आप खुद सुन के बताना। इसमें आपको सोनिक मास्टर के स्पीकर मिलने वाले हैं और Asus ऑडियो बूस्टर का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो ऑडियो को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके इंटीरियर की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको मिनिमम बेजल्स मिल जाती है और बेजल्स पर आपको रबर स्ट्रिप भी मिल जाती है और ये रबर स्ट्रिप इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट रखती है इसके कीबोर्ड से, इसके कीबोर्ड के मार्क्स इसकी डिस्प्ले पे नहीं आने वाले हैं, तो ये वाली चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इस लैपटॉप का कीबोर्ड लेआउट भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको डिस्क टाइप की कीकैप्स मिल जाती है और टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा, कीज की साइज भी काफी अच्छी खासी गई है। बाकी इस लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है और इसमें आपको 3 लेवल की ब्राइटनेस सपोर्ट मिल जाती है और पाम रेस्ट भी इस लैपटॉप का बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टाइम तक टाइपिंग करते हो तो आपकी पाम्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको ग्लास टच पैड मिल जाता है और ये टच पैड विंडोज 11 के सभी जेसर को सपोर्ट करता है। और इसके वेट की बात करें तो इसका वेट 1.63 kg का रहेगा। अगर आप इस लैपटॉप को अपने ऑफिस या कॉलेज वगैरह ले जाना चाहते हो तो आपके कंधों को ज्यादा बोझ नहीं ढोना पड़ेगा, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। अब इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करें तो इसके लेफ्ट सेक्शन में आपको
एक यूएसबी 2.0 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और राइट सेक्शन में आपको एक डीसी इन पोर्ट मिल जाएगा, एक एचडीएमआई 1.4 पोर्ट मिल जाता है, एक यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और एक यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। साथ ही में एक 3.5 एमएम का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आपको सभी जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल एचडी ओएलईडी पैनल की डिस्प्ले मिल जाती है और ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली है। 600 का ब्राइटनेस सपोर्ट मिल जाता है और ये डिस्प्ले वैसा सर्टिफाइड के साथ में एचडीआर को भी सपोर्ट करती है। बाकी यहाँ पर आपको ग्लोसी पैनल मिलने वाला है। डिस्प्ले इस लैपटॉप की बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पर बजट में आपको ओएलईडी पैनल मिल जाता है। अगर आप इस लैपटॉप पे मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो, मूवीज, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई इसकी डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर आपको फोटोशॉप, कलर करेक्शन के काम करने हैं और आपको एक कलर एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए तो ये डिस्प्ले आपके लिए परफेक्ट होगी। इस लैपटॉप के वेबकैम की बात करें तो इसमें आपको एचडी वेबकैम के साथ में प्राइवेट शटर मिल जाता है और ड्यूल इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। ये इस वेबकैम का सैंपल पार्ट है तो यहाँ पर जो ऑडियो और वीडियो है वो इसी वेबकैम से रिकॉर्ड हो रहा है तो इसकी क्वालिटी आप खुद जज कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन जूम कॉल से या कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हो तो आपको कोई भी एक्सटर्नल वेबकैम और माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वेबकैम आपका काम इजीली करवा देगा। अब चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की। तो इस लैपटॉप को सबसे पहले बूट करके देखते हैं। जब मैंने इस लैपटॉप को बूट किया तो ये लैपटॉप 10-14 सेकंड लेता है बूट होने में, जो कि भाई बहुत ही अग्रेसिव है क्योंकि यार ये एक बजट लैपटॉप है और बजट लैपटॉप 10-15 सेकंड में बूट हो रहा है और क्या चाहिए भाई आपको। अब चलिए इसकी बेंचमार्क्स की बात करते हैं। तो सिनेमेजा 823 के सिंगल कोर में ये 1004 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 4623 का स्कोर करता है। नेक्स्ट गीगबेंच 6 के सिंगल कोर में ये 1237 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 3869 का स्कोर करता है। ओपन सीएल का स्कोर भी आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पर 3D मार्क का टाइम स्पाइस स्कोर भी आपके सामने है। एक्चुअली यहाँ पर जो ग्राफिक्स का स्कोर है वो बहुत ही कम है, इस वजह से ये रेटिंग आई है। बाकी यहाँ पर सीपीयू का स्कोर देख सकते हो जो कि ठीक ठाक है। नेक्स्ट यहाँ पर पीसी मार्क 10 की भी रेटिंग देख सकते हो, यहाँ पर 3625 का स्कोर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ गेम्स रन किए हैं तो सबसे पहले हमने GTA 5 रन किया है और आप इस Asus ROG Go 15 OLED लैपटॉप पर GTA 5 को ओनली 720p रेजोल्यूशन पे खेल सकते हो। जैसे आप हाई सेटिंग वगैरह करोगे तो ये लैपटॉप भाई रो देगा। तो प्लीज भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लैपटॉप गेम के लिए नहीं बना है। और इस लैपटॉप में मैंने वेलोरेंट भी प्ले किया है, इस गेम को भी आप भाई लो सेटिंग्स पे प्ले कर सकते हो। बाकी यार एक बजट लैपटॉप है तो ये गेमिंग के लिए नहीं बना है। इसी के साथ में मैंने इस लैपटॉप पे प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर भी रन किए हैं। तो सबसे पहले मैंने Adobe Premiere Pro रन किया है। इसमें मैंने 2 मिनट का 4K प्रोजेक्ट रेडी किया है 2 लेयर के साथ में और जब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ये 3 से 4 मिनट में इसको रेंडर भी कर लेता है। बाकी यार अगर आप फुल एचडी लेवल की वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वो तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फोटोशॉप रन किया है और ये इस सॉफ्टवेयर को इजीली हैंडल कर लेता है। बाकी आप सभी को पता ही है कि फोटोशॉप इतना ज्यादा हेवी सॉफ्टवेयर नहीं है तो इस लैपटॉप पर आप फोटोशॉप को इजीली रन कर सकते हो और अच्छे अच्छे थंबनेल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और इसकी परफॉर्मेंस को और चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीटास्किंग की है। इसमें मैंने 4-5 सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे हुए हैं और ब्राउजर में भी 3-4 टैब्स ओपन है और टैब्स बीच में भाई कोई भी लैग नहीं करता है ये लैपटॉप। बाकी यहाँ पर आप इस लैपटॉप की रैम को अपग्रेड कर लेते हो तो ये लैपटॉप मल्टीटास्किंग में नेक्स्ट लेवल का रहेगा। इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और विंडोज 11 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है और ये बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेंगे। अब चलिए इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग भाई लैपटॉप्स को लेकर बैटरी के बारे में जरूर से कमेंट करते हैं। तो अगर आपको सच में अच्छा बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप चाहिए और बजट में चाहिए तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको नॉर्मल यूजेज में 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको इंटेल का कोर i3 N305 CPU मिलता है जो कि पावर को बहुत ही कम कंज्यूम करता है। और अगर आप इस लैपटॉप पे मल्टीटास्किंग करते हो, मल्टीपल टैब्स ब्राउजर में ओपन करते हो तो यहाँ पर बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटे का मिलने वाला है। और अगर आप इस लैपटॉप पे हेवी सॉफ्टवेयर रन करते हो या गेम्स वगैरह प्ले करते हो तो इसका बैकअप 1 से लेकर 1.5 घंटे का ही रहेगा। अब चलिए इस लैपटॉप की प्राइस की बात करते हैं। तो करंटली ये लैपटॉप 47 से 48,000 की प्राइस में अवेलेबल है। हालांकि ये लैपटॉप आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस लग सकता है बट हमें यहाँ पर ओएलईडी पैनल मिल रहा है। बाकी जब सेल वगैरह आती है तो इस लैपटॉप को और कम प्राइस में परचेज कर सकते हो। अब देखो ये लैपटॉप किन लोगों को परचेज करना चाहिए। तो अगर आपको अपने लैपटॉप में एक ओएलईडी पैनल वाली डिस्प्ले चाहिए और आपको एमएस ऑफिस भी चाहिए अपने लैपटॉप में और नॉर्मल ऑफिस स्टडी या ट्रेडिंग के लिए कोई लैपटॉप परचेज करना है और आप उस लैपटॉप पे मीडिया भी कंज्यूम करना चाहते हो तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। तो ये था भाई Asus ROG Go 15 OLED का कंप्लीट रिव्यू और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और लैपटॉप्स को लेकर कोई भी डाउट है तो इंस्टा पर भी आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।